आइए भारत से मिलिए। आप जानते हैं इसे, आस्था का भारत, कुदरत का भारत, दुनिया की सबसे युवा जनसंख्या जहां रहती है वो भारत। पर दूसरा भारत ऐसा भी है जो चल रहा है दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर। जिसके हाथ में है दुनिया की बड़ी से बड़ी ब्रांड, जिसके टेबल पर पड़ा है दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाला ब्रांड, जिसकी जेब में है वो इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बिकता है दुनिया में सबसे ज्यादा, यानी कि भारत है दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में से एक। इसका मतलब तो ये भी है कि ये है इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के सबसे बड़े अवसरों में से एक, क्योंकि यहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट आपके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। यहाँ है दुनिया का सबसे बड़ा युवा धन आपके प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। यहाँ आ सकता है दुनिया भर से युवा धन नए नए प्रोडक्ट्स खोजने के लिए। बस जरूरत है तो एक आमंत्रण की। हमारे पास स्किल है, टैलेंट है, डिसिप्लिन है, कुछ कर गुजरने का इरादा है। हम विश्व को एक सानुकूल अवसर देना चाहते हैं। क्या ये कम मेक इन इंडिया, और हम विश्व को कहें इलेक्ट्रिकल से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक तक कम मेक इन इंडिया, ताकत है हमारे देश में। तो आइए, भारत सरकार आपको आमंत्रित कर रही है दुनिया के अगले बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स हब में। कम मेक इन इंडिया, भारत खोल रहा है द्वार इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट के अपने 360 डिग्री अप्रोच के जरिए, मतलब कि देश के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को देकर एक अनोखी इकोसिस्टम, ह्यूज मार्केट और ह्यूमन रिसोर्स। अब भारत करने जा रहा है अपनी सबसे बड़ी वर्किंग फोर्स को सबसे स्किल्ड वर्कफोर्स में तब्दील, इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के जरिए, जिसके तहत 4 वर्ष में 3.60 लाख लोगों को ट्रेन करने का लक्ष्य है भारत सरकार का। अब भारत सरकार भारत और दुनिया भर के रिसर्चर्स और इनोवेटर्स को भी दे रही है बहुत बड़ा मंच, जिससे भारत और अन्य देशों के पीएचडी छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा, जिसके अंतर्गत आने वाले 5 सालों में अतिरिक्त 3000 पीएचडी तैयार करने का लक्ष्य है। अब भारत में व्यवसाय करना हुआ और आसान। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत हो रहा है ये सुनिश्चित इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन सेल के जरिए। सभी नए प्रोजेक्ट्स के लिए भी प्रदान की जा रही है सिंगल विंडो और ऑनलाइन क्लियरेंस की सुविधा। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और कुछ विशिष्ट डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए 49% की अनुमति ने वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए खोले हैं विशाल अवसरों के द्वार। नई इकाइयों को मिलेगा स्पेशल इंसेंटिव पैकेज। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना करने वालों को मिलेगी वित्तीय सहायता। और तो और, नए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स में जमीन की उपलब्धता से इंडस्ट्री को होगा फायदा। एक तरफ मैन पावर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक की सारी दूरियां पार करेगा देश भारत, जिसके लिए संपूर्ण तकनीकी सहयोग देगी सरकार, तो दूसरी ओर जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज और स्किल के साथ मेक इन इंडिया मूवमेंट देगा इस पूरे क्षेत्र को प्रोत्साहन। डिजिटल इंडिया मूवमेंट के सहयोग से मिलेगी भारत में काम करने की सरलता और सुविधा। इस क्रांति की शुरुआत भी हो चुकी है। विश्व की 5 बड़ी कंपनीज द्वारा भारत में विराट निवेश करने की घोषणा हो चुकी है। तो क्या आप भी हिस्सा बनना चाहेंगे विश्व के उभरते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब का, जहां पर है सुनिश्चितता सफलता की, सरलता बिजनेस की और गारंटी एक विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की? लेट्स एक्सप्लोर, इनोवेट, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर इन इंडिया। लेट्स मेक इन इंडिया।